और वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो आवर टॉपिक इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सो बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपने जब हम लोग ने डेनियल सेल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने एक वर्ड यूज कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं या फिर उसके सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट क्या थे व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट इज तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इट इज अबस्टेंस दिसोसिएट इन सोल्यूशन

इलेक्ट्रिसिटी के लिए ओके okay? तो इट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयंस एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन और स्टेट पे वर्ड आया है और मोल्टन स्टेट मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को डिजोल्व और मोल्टन स्टेट में ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसलिए क्योंकि डिजोल्व और मोल्टन स्टेट में ही हमारे आयंस होते हैं वो रनिंग हो पाते हैं मीन्स हमारे जो आयंस हैं वो मूव मूव कर पाते हैं इजिली क्योंकि अगर आयंस मूव नहीं करेंगे आयंस मूव नहीं करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी आपने पहले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी सॉल्यूशन किसी सॉरी किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं और आयंस प्रोड्यूस डिजॉल्व और मोल्टेन स्टेट में ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स भी टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं और मे बी ये टॉपिक आपसे पूछा भी नहीं जाएगा इसको जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है तो अगर छोड़ देंगे और डायरेक्ट वही पढ़ने लगेंगे तो आपको वो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा नहीं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज्यादा हम लोग डीप में जाने वाले नहीं है इसके बारे में तो अभी टॉपिक आया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वॉट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपने अभी ये चीज पहले भी सुनी होगी वीक एसिड्स के बारे में वीक आ, बेसिस के बारे में हम लोग किसे वीक एसिड्स कहते थे कि जो डू नॉट जो पार्शियली आयनाइज होते हैं मीन्स कंप्लीटली आयनाइज जो नहीं होते हैं या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने आय में वो वीक एसिड्स होते हैं Similarly, वही वीक electrolytes भी होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं Means, जो completely dissociate, या फिर completely होकर ions को produce नहीं करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मीन्स अपना सम पार्ट डिसोसिएट कर देते हैं और सम पार्ट नहीं डिसोसिएट करते हैं या फिर बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और इनके एग्जाम्पल्स हैं एसिटिक एसिड हो गया और एनएच फोर ओ एच मीन सॉरी एन एच फोर ओ एच हो गया ये सब ठीक है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज होते हैं या फिर बिल्कुल ही आयनाइज नहीं होते हैं ठीक है ठीके? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये तो आपको पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा शायद कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जस्ट अपोजिट ही होना चाहिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होते हैं या बिल्कुल आयोनाइज नहीं होते हैं बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दो इलेक्ट्रोलाइटलीट इन टू सोल्यूशन टू प्रोड्यूस एंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आय मीन्स ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सोल्यूशन में और कंप्लीटली आयन्स को प्रोड्यूस कर देते हैं ओके okay? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी पार्ट अन आयोनाइज नहीं रह जाता है कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद ये कम सारे आयन्स को जितने भी आयन्स इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसिस्ट होते हैं वो सारे आयन्स को मोल्टर और डिजॉल्व स्टेट में छोड़ देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके इसीलिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि हमें अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिल सके ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हो गए एच सी एल मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl वगैरह H2SO4 मतलब जितने भी स्ट्रांग एसिड्स हैं लाइक अमोनिया सॉरी लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और स्ट्रांग बेसिस भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा ओके तो लेट्स डिस्कस फादर व्हाट इज ओके मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन तो जैसा कि जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं कंडक्टिविटी का अब वर्ड यहां पर आया है कंडक्टिविटी इसको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि रेसिस्टेंस कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डीपली डिस्कस कर लिए हैं फिर भी आपके लिए मैं एक बार बता देती हूँ कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का इन्वर्स होता है ठीक है द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाई के क्योंकि लास्ट वीडियो में हम इसको काफी डीपली डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पर बात आती है कि कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करेंगे मीन्स कोई इलेक्ट्रोलाइट किस हद तक कंडक्टिविटी कर सकता है तो यहां पर द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेजर्ड यूज स्टोन ब्रिज यहाँ पर वर्ड रेसिस्टेंस क्यों आया है वर्ड रेसिस्टेंस इसलिए आया है क्योंकि एंड कंडक्टिविटी आर रिलेटेड टू ईच हाँ इन अ वे इन और वो वे कौन सी है रेसिस्टेंस का अपोजिट जो होता है वो होता है कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस से कंप्लीटली या फिर कहीं ना कहीं रेसिस्टिविटी रिलेटेड है ये तो आप भी मानते हैं तो रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी और हम लोग कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसीलिए यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं ठीक है बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी ये तीनों वर्ड्स रेसिस्टेंस की वजह से ही फर्दर प्रोसीड हो पाए हैं ठीक है ठीके? तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को वीट स्टोन के थ्रू मेजर कर सकते हैं ये वीट स्टोन पढ़ेंगे बहुत अच्छा टॉपिक है और ये ये अगर कहें तो फाइव मार्क्स में बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है ठीक है तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा वहां पर और इसका काम देखिए केमिस्ट्री में भी है ठीक है तो रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं हम लोग वीट स्टोन ब्रिज ब्रिज के थ्रू ठीक है तो हाउ एवर द रेसिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन फ्रॉम विच कैलकुलेट इट्स कंडक्टेंस विल बी डिफिकल्ट टू मेजर बट आयनिक सोल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करना इज नॉट दैट इजी ठीक है तो इसीलिए हम हम लोगों को कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को अल्टरनेटिव वे निकालना पड़ा आयनिक सोल्यूशन में रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए आयनिक सोल्यूशन में रेसिस्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस डोंट फॉरगेट दिस ठीक है तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि वो डिफिकल्टीज कौन कौन सी थी यूजली मेन टू मेजर प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोगों को फेस करना पड़ा और ये मेजर प्रॉब्लम्स शायद यही मेन टू मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन या फिर कंडक्टेंस मेजर हो ही नहीं पा रहा था तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम थी सबसे पहला चीज कि पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। जब हम लोग डायरेक्ट करंट पास कर रहे थे हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से तो उसका चेंज हो जाता था Means, जो भी इलेक्ट्रोलाइट में सब्सटेंस प्रेजेंट थे वो कम्प्लीटली सेपरेट uh, हो जाते थे इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाता था और हमारा सॉल्वेंट अलग हो जाता था मीन्स सॉल्यूट अलग हो जाता था और सॉल्वेंट अलग हो जाता था तो डायरेक्ट करंट अगर हम लोग डायरेक्ट अभी बात आई है डायरेक्ट करंट की तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज में डायरेक्ट करंट ही यूज होता है इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस करना पड़ा जब हम लोगों को कंडक्टेंस मेजर करने की बात आई तो जब हम लोगों को डायरेक्ट कंडक्टेंस को मेजर करना था तो डायरेक्ट करंट को जब आयनिक सोल्यूशन से पास किया तो इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कंप्लीटली हमारा सोल्यूशन बिल्कुल अजीब सा हो गया मीन्स उसका सोल्यूट अलग हो गया सॉल्वेंट अलग हो गया ठीक है तो एक तो ये प्रॉब्लम थी सेकेंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि वी कैन नॉट कनेक्ट द सोल्यूशन डायरेक्टली टू द ब्रिज मीन्स ब्रिज जो था उसको डायरेक्टली हम लोग अपने सोल्यूशन में ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज अगर ऐसा कर रहे थे तो डायरेक्टली करंट uh, जो था वो पूरे ब्रिज में फ्लो हो रहा था और जिसकी वजह से हमारे कंडक्टेंस को मेजर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था ठीक है तो सेकेंडली सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रिज ठीक है जो रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो कंडक्टर्स का करते हैं एंड कंडक्टर्स आर सॉलिड्स, जबकि यहां पर बात हो रही है सॉल्यूशन की विच इज मोस्टली एक्वस ठीक है तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते थे ओके okay, तो अब बात आती है कि हमने फिर ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हम अपने कंडक्टेंस फिर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर कर पाए तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों डिफिकल्टीज को डिफिकल्टीज को रिजोल्व करना था तो फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजोल्व बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट ओके फर्स्ट डिफिकल्टी को हम लोगों ने रिजोल्व किया अल्टरनेटिंग करंट को पास करके और सेकेंड प्रॉब्लम को रिजोल्व किया एक स्पेशल वेसल डिजाइन करके जो बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर कर सकें उस वेसल का नाम था कंडक्टिविटी uh, सेल ये इम्पोर्टेंट है आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों मेजर प्रॉब्लम पूछी जाती है पेपर में कि हम लोग जैसे रेजिस्टेंस को बीट स्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर कर सकते हैं वैसे कंडक्टेंस को बीट स्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर क्यों नहीं कर सकते तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी बेसिकली जिसकी वजह से हम लोग कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को व्हीट स्टोन के थ्रू मेजर नहीं कर सकते थे इसीलिए हमें एक अल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ा और वो अल्टरनेटिव वे था हमारा कंडक्टिविटी सेल ये एक स्पेशली डिजाइन वेसल था जिसमें हमने ये दोनों प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया था इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा था और इसमें हमें अपने सॉल्यूशन को डायरेक्टली ब्रिज से कनेक्ट भी नहीं करना पड़ रहा था इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में है तो आप वहां से समझ लीजिएगा अपना डायग्राम कुछ खास नहीं है उसमें जितना मैं अभी यहाँ पे समझा दूंगी तो आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा कंडक्टिविटी uh, सेल था क्या इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिविटीनम इलेक्ट्रोड्स इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स थे जो कि प्लेटिनम के थे प्लेटिनम के किस लिए थे क्योंकि प्लेटिनम कंप्लीटली अनरिएक्टिव मेटल होता है अदरवाइज और कोई मेटल अगर हम लोग लेंगे तो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम उनको डिप करेंगे तो वो हमारे मेटल भी डिजोल्व हो जाएंगे इसीलिए हम लोगों ने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को यूज किया ठीक है कोटेड ब्लैक ब्लैक ये भी से कवर्ड भी थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड इज ए एंड दे आर सेपरेटेड सॉरी एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल क्रॉस जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे उनका एरिया से डिनोट कर रहे हैं हम लोग और इलेक्ट्रोड्स को एल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया था ये एल डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है क्योंकि कंडक्टिविटी सेल अपने बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी uh, निकालनी है ठीक है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं थी इलेक्ट्रोड्स के बीच में ओके द रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम कंटेनिंग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज गिवेन बाय अब आई रेसिस्टिविटी सॉरी रेसिस्टेंस बेसिकली कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टिविटी आई कैसे प्रोड्यूस हुई ठीक है तो हमारा जो रेसिस्टेंस है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है रो एल अपॉन ए वेयर रो इज रेसिस्टिविटी ये आपको पता होगा ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सडन वर्ड आ गया है के इज दिस के अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के तो इतना तो क्लियर हो गया कि के इज कंडक्टिविटी बट अब यहां पर के कैसे आ गया तो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लास्ट स्लाइड में बता दिया था कि इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी सो वन अपॉन रो इज वन अपॉन रो इज कंडक्टिविटी ओके और के इज ऑल्सो कॉल्ड कप्पा हमारे uh, कई क्वेश्चंस में कप्पा से डिनोट किया गया है कंडक्टिविटी को सो so अगर आप न्यूमेरिकल्स करते टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बात याद कर लीजिए कि कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के विच इज नोन एज कप्पा एंड इट्स इज सीमेंस मीटर इनवर्स अगर आपको ये पहचानना है कि कंडक्टिविटी गिवन है या फिर मोलैरिटी गिवन है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इस इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कंडक्टिविटी है या फिर मोलैरिटी है तो आप दोनों की यूनिट्स को देख के पहचानिएगा कि दिस इज कंडक्टिविटी एंड दिस इज मोलैरिटी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है मीटर इनवर्स और मोलारिटी की यूनिट होती है मूल डेसीमीटर क्यूब या फिर जिस भी यूनिट्स में मोलारिटी को रिप्रेजेंट किया गया है ओके okay. अब हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कॉन्स्टेंट वॉट इज सेल कॉन्स्टेंट तो सेल कॉन्स्टेंट क्या था कि जैसे हमने अभी पहले कई कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा है इसी तरीके से ये भी एक बर्ड है सेल कॉन्स्टेंट सेल कॉन्स्टेंट इज द क्वांटिटी विच इज एल डिवाइडेड बाय ए ठीक है जब हम लोग लेंथ को एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल कॉन्स्टेंट और इसको डिनोट करते हैं जी स्टार ठीक है जी स्टार से इसको हम लोग डिनोट करते हैं इसका बेसिकली कोई नेम है नहीं तो इसको जी स्टार को ही सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं ये क्वेश्चन हमारे ट्वेल्थ के सैंपल पेपर में था ट्वेंटी के कि वॉट इज द वॉट इज सेल कॉन्स्टेंट तो सेल कांस्टेंट क्या है जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स की लेंथ को इलेक्ट्रोड्स के एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है, okay? अब आप ये देख रहे हैं कि व्हाट दिस आर एंड के तो आर एंड के आप ज्यादा ऐसे कंफ्यूज मत होइए। आर एंड के कुछ ज्यादा नहीं है आप देखिए अगर हम लोग रेसिस्टेंस को सॉरी लास्ट स्लाइड पे हम लोग चल के डीपली डिस्कस करते हैं इसके बारे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी uh, हमें मिल गया के ठीक है अगर uh, K को हम लोग इधर भेज दें तो आर एंड के इज इक्वल टू है ना के को इधर भेजेंगे K इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो आर एंड के इज इक्वल टू एलापॉन ए तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आर एंड के कहां से आया तो रेसिस्टेंस कंडक्टिविटी इज गिव गिव्स द वैल्यू ऑफ सेल कॉन्स्टेंट ठीक है एंड यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट इज मीटर इनवर्स ये तो बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा लेंथ की यूनिट होती है मीटर एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर तो जब मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर करेंगे उसके बाद हमें वन अपॉन एम मिलेगा वन अपॉन एम को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा ठीक है तो दिस इज नॉट एज मच डिफिकल्ट ये आपको सब क्लियर हो गया होगा सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है मीटर इनवर्स यूनिट्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पेपर में मल्टीपल चॉइस भी आने लगे हैं जिसमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी है हमने सैम्पल पेपर्स को अगर सॉल्व करें तो उसमें हमने देखा भी है ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एट वन सेंटीमीटर अपार्ट ओके तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है मोलर कंडक्टिविटी जब हम लोग अपने कंडक्टिविटी सेल में किसी इलेक्ट्रोलाइट को वन ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान रखिएगा इसको एक मार्क में पूछा जाने की प्रॉबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक तो है तो मोलर कंडक्टिविटी लेकिन क्या मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आय Uh, जो आयंस जब हम लोग ग्राम ग्राम ऑफ ऑफ मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी सेल में डिप करते हैं सॉरी कंडक्टिविटी सेल में छोड़ते हैं ठीक है तो जब वन ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी सेल में हम लोग रखते हैं तो जो उसके सारे आयंस जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो होती है मोलर कंडक्टिविटी उस कंडक्टिविटी सेल के इलेक्ट्रोड्स की दूरी होती है वन सेंटीमीटर अपार्ट ठीक है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के की कंडक्टिविटी जो कि जब हम लोग कंडक्टिविटी सेल में रखते हैं जब उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्राम मोल होती है और उसके इलेक्ट्रोड्स की दूर, दूरी वन सेंटीमीटर होती है तब उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो होती है मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सेमीलैमना एंड ठीक है तो इट इज डिनोटेड बाय दिस आप बहुत 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 ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और पेपर में भी ये वर्ड आपको जरूर मिलता है 85 फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस वर्ड से रिलेटेड या तो क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए या फिर डेफिनेशन मिलेगी लिखने के लिए ठीक है आगे मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी क्या है कप्पा इंटू वॉल्यूम ठीक है तो मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी क्या है कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक है या फिर कप्पा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ठीक अब ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है कि कप्पा इंटू वॉल्यूम कैसे आया अगर हम लोग लास्ट स्लाइड में जहां पे हम लोग एल अपॉन ए के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे लेंथ आ, एरिया को इन्वर्स कर दें तो हमारा के एल अपॉन ए हो जाएगा ठीक है तो एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी एल कर दें और लेंथ को ले लें वन सेंटीमीटर तो एरिया में लेंथ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज बिकम के इंटू वी और लेंथ तो वन सेंटीमीटर ही है तो वो पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो ऐसे हमें मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला दैट इज कप्पा वी वेयर वी इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो कप्पा अपॉन सी इज ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम किस यूनिट्स में प्रेजेंट होती है सेंटीमीटर क्यूब एंड कंसेंट्रेशन मोस्टली मोस्टली नहीं हमारे सारे न्यूमेरिकल्स में कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी में रिप्रेजेंट किया गया और मोलैरिटी आपने डीपली पढ़ी है अपने केमिस्ट्री के, के फर्स्ट चैप्टर में ट्वेल्थ केमिस्ट्री के, के फर्स्ट चैप्टर में ठीक है अब आती है बात यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है इट्स सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है अब एक और फॉर्मूला यहां पर आप देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी का इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब भी क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आता है ठीक है यू कैन नोट माय वर्ड्स जब भी क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आता है तो मोलर मोलर कंडक्टिविटी का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इन टू थाउजेंड अबॉन मोलैरिटी इसमें सारी वैल्यूज एट इज एज इट इज गिवेन होती है मोलैरिटी को सॉल्व नहीं करना है होती है ठीक है मोलैरिटी को स्मॉल एम सॉरी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कैपिटल एम सो कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन एम ये इसमें यूनिट्स गिवेन है हमें साथ में ओके okay? आगे बढ़ते हैं हाउ आगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसेंट्रेशन के साथ कैसे वेरिएट करती है कैसे कंडक्टिविटी uh, और मोलर कंडक्टिविटी uh, जब हम लोग कंसेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो इस पर क्या चेंज पड़ता है तो कंडक्टिविटी जब हम लोग कंसनट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन के अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी ऐसा क्यों होता है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट के वो वन यूनिट वॉल्यूम में जितने आयन्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो जाते हैं जब हम उसको डायल्यूट करते हैं अपने कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन को मतलब जब वन यूनिट वॉल्यूम हमारे मान लीजिए वन यूनिट वॉल्यूम में टेन आयन प्रेजेंट है अब हमने यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने पे वॉल्यूम बढ़ गया तो हमारे आयंस वन यूनिट वॉल्यूम से बढ़कर जितना हमने उसको डाइल्यूट किया है उतने डाइल्यूट सॉल्यूशन में पूरे में फैल जाते हैं इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन एंड इनक्रीज विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ठीक है नाउ वॉट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का मोलर कंडक्टिविटी के, के केस में अपोजिट होता है अगर कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है और अगर कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ठीक है तो इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन सॉरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीज ठीक है अब यही देखिए यहां पर वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है कि वन यूनिट वॉल्यूम जो आयंस को कैरी करता है वो वॉल्यूम ज्यादा हो हो जाता है, तो हो जाता है है तो तो वॉल्यूम ज्यादा आयंस पूरे में फैल जाते हैं तो इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाती है और मोलर कंडक्टिविटी के, के केस में क्या होता है सॉल्यूशन uh, uh, जो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कैरी कर रहा है वो भी तो बढ़ जाता है मतलब जितना वॉल्यूम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कैरी कर रहा है जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करने लगेगा ठीक है मतलब मोलर कंडक्टिविटी था क्या कि नंबर ऑफ आय प्रोड्यूस बाई वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वन ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वन ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी कुछ आयन्स को प्रोड्यूस कर रहा है जब हमने इसको डायलूटेड uh, किया तो वो और आयन्स को प्रोड्यूस करने लगेगा इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे जरूर पूछें अब हमारा लास्ट टॉपिक एंड बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मार्क यह भी है बेसिकली ये दो लाइन की डेफिनेशन ही है और डेफिनेशन के साथ साथ हमारे जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं वो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे ही है तो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप पेपर में वैल्यू को देख के आराम से सॉल्व कर पाएंगे अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या करना है क्वेश्चन में ठीक है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कंडक्टिविटी रीचेस अ लिमिटिंग वैल्यू नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मोलर कंडक्टिविटी इनक्रीजेज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन तो अगर हम लोग अपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को कंप्लीटली डाइल्यूट कर लें तो उसकी कंसेंट्रेशन एट अ टाइम अप्रोचेस जीरो जीरो कंप्लीट तो हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर ही नहीं सकते हैं पॉसिबल होगा बट यहां पर पॉसिबल ऐसा नहीं है बिकॉज यहां पर लिखा भी है अप्रोचेस जीरो नॉट वेन कंसेंट्रेशन इज जीरो वेन कंसेंट्रेशन अप्रोच इज जीरो मोलर कंडक्टिविटी रीचेस अ लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब कंसेंट्रेशन किसी भी मोलर कंडक्टिविटी के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है तब जो मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही होती है या फिर तब जो आय कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ही कंडक्टिविटी होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिसके तो गाइज ये थी हमारी last, last Uh...